फर्स्ट थिंग जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि जब किसी की भी IR 1 आती है या कोई टॉपर से हम बात करते हैं तो लगता है कि ही मस्ट बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो फर्स्ट थिंग मैं जो बताना चाहूँगा कि टॉपर्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दे आर जस्ट पीपल, ऑर्डिनरी पीपल हु जस्ट पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। सो सेम थिंग गोज़ विथ मी, लाइक मैं कभी ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करता था कि मुझे IR 1 लानी है या फिर ऐसा कुछ, बस ऑब्जेक्टिव था कि NDA जाना है और आगे जाके एयरफोर्स में ज्वाइन करना है। तो इनिशियल प्रिपरेशन तो ऐसी थी कि मैं अपनी फैमिली से पहला हूँ जो डिफेंस के फील्ड में जा रहा हूँ। अच्छा। तो बस मेरा स्टार्टिंग से एम था कि पहले मुझे डिफेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, तो मेरा एम सिर्फ इतना था कि मुझे पायलट बनना था। अच्छा। बट उसके बाद वंस आई कम्प्लीटेड क्लास 4th तो मुझे सैनिक स्कूल्स के बारे में पता चला, सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स जो हैं, तो एक मैंने उनकी प्रिपरेशन की। तो जब मेरी 5th class कंप्लीट हुई, आई अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ वेरियस सैनिक स्कूल्स एंड मिलिट्री स्कूल्स। सो आई क्लियर्ड मैनी एग्जाम्स, बट देन फिर मैंने डिसाइड किया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर को ज्वाइन करने का। तो क्लास 6 में मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर को ज्वाइन किया। तो RMS धौलपुर जो एक बोर्डिंग स्कूल है, सो इन क्लास 6 इटसेल्फ आई हैड टू लीव माई पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज। तो एंड देन इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, तो जो मेरा डिफेंस की तरफ जो पहला एक्सपोजर था वो राष्ट्रीय मिडिल स्कूल धौलपुर से आया। तो अब क्या था कि मुझे वैसे मेरा ड्रीम था पायलट बनने का, लेकिन फिर जब मुझे डिफेंस के बारे में पता चला, एयरफोर्स के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे पायलट तो बनना है बट अब एयरफोर्स में बनना है। तो वहीं से जो मेरा ड्रीम था उसके जो एक्चुअली आप कह सकते हैं जो पहला सॉलिड स्टेप था टुवर्ड्स माई ड्रीम, दैट केम फ्रॉम राष्ट्रीय मिडिल स्कूल धौलपुर इनिशियल प्रिपरेशन। ऐसा होता है कि जब मैं राष्ट्रीय मिडिल स्कूल धौलपुर को ज्वाइन किया क्लास 6 में, तो वहीं से हर एक बच्चे को हर एक कैडेट को पता होता है कि उसको आगे जाके NDA का एग्ज़ाम देना है, उसको क्लियर करना है और उसे NDA ज्वाइन करना है। तो उस सभी अपनी प्रिपरेशन ना सिर्फ एकेडमिक्स के टर्म्स में नहीं होती है, देर आर मैनी अदर आस्पेक्ट्स, लाइक देर आर बिकॉज समवन अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, यू शुड बी गुड फिजिकली एज वेल एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कोई क्लास 6 में किसी मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन करता है तो तभी से ये सारी चीज़ें उसकी ग्रूम होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो जब मैंने क्लास 6 में ज्वाइन किया वहाँ से मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला, मुझे बहुत सारे गेम्स खेलने का चांस मिला, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और अपने स्कूल को काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया। अच्छा। और एकेडमिक्स तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिली। बिसाइड्स उसके अलावा बिकॉज इट्स अ मिलिट्री स्कूल तो वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, लाइक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आर्मी के अंडर आता है, तो वहाँ से भी वहाँ से इंटरेक्शन था, हमने आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ देखी है स्कूल में, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन था कि हाँ आगे जाके इसी प्रोफेशन में जाना है। तो एस एच इफ वी सी दैट टोटल NDA एग्जाम इज ऑफ 1800 मार्क्स, उसमें से 900 का रिटेन होता है और 900 मार्क्स SSB के होते हैं। तो 900 मार्क्स जो रिटेन के हैं अगर हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करें तो 300 मार्क्स जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, इट इज़ कॉल्ड मैट, एंड बाकी 600 मार्क्स GAT के होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें सिर्फ मैथ्स ही है, उसके अलावा जो GAT वाला पोर्शन है दैट कंप्राइजेज ऑफ 200 मार्क्स इंग्लिश, 200 मार्क्स साइंस एंड 200 मार्क्स इज जनरल नॉलेज, लाइक इट उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सब कुछ उन 200 मार्क्स में कवर हो जाता है। अच्छा। तो इसका जो मीन्स कंपोजिशन है एग्जाम का वो इस तरह से है, लाइक अब अगर हम सेक्शन वाइज बात करते हैं, जैसे फर्स्ट वी टॉक अबाउट मैथ्स, लाइक व्हेन वी अपीयर फॉर एग्जाम फर्स्ट वी हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ मैथ्स एंड देन GAT। सो इन मैथ्स देर आर 120 क्वेश्चंस एंड वी गेट 2.5 hours। तो अगर हम देखें तो इट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो 11th और 12th के होते हैं, तो 120 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स, सो हार्डली वी हैव अराउंड 1 minute फॉर एवरी क्वेश्चन। तो वी नीड 2 things, फर्स्ट थिंग वी नीड एक्यूरेसी एंड सेकेंड थिंग वी नीड स्पीड, बोथ द थिंग्स हैव टू बी देयर। सो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैथ्स में अगर हम कवर करते हैं सिंस ज़्यादातर क्वेश्चन 11th और 12th से ही होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन जो होती है वो मैथ्स की 11th और 12th से होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि CBSE का जो हमारा करिकुलम है, जो CBSE का जो सिलेबस है उसमें बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ऑल्दो हम पढ़ते सब्जेक्टिव है बट स्टिल अगर हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी देते हैं और अगर हमारा बेसिक्स अगर क्लियर है जो हमने CBSE में पढ़ा है तभी वो एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैथ्स का तो ऐसा है कि फर्स्ट थिंग हमें जो चाहिए एक तो प्रैक्टिस चाहिए, दूसरी बात हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और उसके अलावा जो 12th के क्योंकि हम जब 12th में आए थे तब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कई चीज़ें 11th की जो होती हैं वॉश आउट होने लग जाती हैं, फेड होने लग जाती हैं, तो उनको भी हमें कंट्रोल में रखना है, मतलब इक्वली सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करके रखना है।
फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया था कि मैंने पहले तो 11th का, तो 11th में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरा 11th जब क्लास खत्म नहीं भी हुई थी, उससे पहले मैंने 12th की जो बुक्स थी मैथ्स की वो करना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तो जब मेरी 12th स्टार्ट ही हुई थी, बाय दैट टाइम मीन्स बाय अप्रैल, मैंने अपने 12th का जो CBSE सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया था। Nice. तो अगर हम 11th मैनेज करें तो 11th प्लस 12th दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो जब मेरा सब्जेक्टिव पार्ट कवर हो गया, मतलब मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। सो फॉर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन देर आर मैनी बुक्स विच आई यूज टू रेफर, तो उनसे क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी हो गई। और उसके बाद जब हम 12th में, जब मेरे स्कूल में जब 12th में आते हैं तो स्कूल ऑर्गेनाइज वेरियस क्लासेस, दे कॉल वेरियस फैकल्टी फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम इनसाइड द स्कूल एज वेल। सो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए फिर इन 12th हमारा टाइम टेबल रूटीन सब कुछ चेंज हो जाता है एंड कंप्लीट फोकस इज ऑन क्लियरिंग द UPSC रिटन एग्जाम। फिर वो क्लासेस में ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी हो जाती है। मैम हेयर आई वुड लाइक टू से कि हर एक बच्चे को हो सकता है कोई टॉपिक किसी को समझ में ज़्यादा अच्छे से आता हो, किसी को नहीं आता हो। तो ये एक बात होती है इंट्रोस्पेक्शन की, मतलब आप खुद को कितने अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर 120 क्वेश्चंस हैं तो अगर आपको एग्जाम सिर्फ क्लियर करना है तो इवन इफ यू स्कोर ऑलमोस्ट 120 मार्क्स आउट ऑफ 300, मीन्स इवन इफ यू सॉल्व 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, देन ऑल्सो यू क्लियर द एग्जाम। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट कोई थ्योरम उसमें लग रही हो या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर किसी ने 11th में ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो अभी अगर 11th के बेसिक्स क्लियर कर लें और उसके बाद खुद सेलेक्ट कर लें कि कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर एग्जाम में हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनका लेवल हाई होता है, तो जरूरी नहीं कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व अटेम्प्ट करें, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे तभी हम उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बस 50 क्वेश्चंस वो सही होने चाहिए जी। तो 50 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। तो अगर हर एक स्टूडेंट को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वैसे तो देखें तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उससे आते हैं, और कैलकुलस के अलावा कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो रिलेटिवली इजी होते हैं, जैसे सेट्स हो गया जी, और मैट्राइसिस हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते भी हैं और इजी भी आते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं जी। तो इसके अलावा हो सकता है कि किसी और को कोई दूसरा टॉपिक सूट करता हो, तो बस ये है कि एक बार एनालिसिस कर लें कि मैं जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और मेरे उस टॉपिक के ऊपर कितनी कमांड है। तो उसके ऊपर हम डिपेंड कर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट इन टॉपिक्स के ऊपर 60-70 क्वेश्चंस एटलीस्ट आते हैं। सो इन एनी कंडीशन मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाते हैं जी। वो चीज होती है कि मतलब अगर किसी ने 11th में नहीं पढ़ा है एंड ही जस्ट वांट्स टू क्लियर द एग्जाम, बाकी तो अगर इफ ही वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स तो फिर काफी टाइम से प्रिपरेशन करनी पड़ती है 11th। राइटिंग प्रिपरेशन एक चीज है, मैट में और गेट में डिफरेंस है, बिकॉज मैट में क्वेश्चन जो होते हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन 11th एंड 12th, तो उसकी प्रिपरेशन जो होती है हम 11th 12th में ही स्टार्ट कर सकते हैं मेनली। बट गैट ऐसा सब्जेक्ट है वेयर इंग्लिश साइंस एंड जनरल नॉलेज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई 9th 10th क्लास से भी स्टार्ट करेगा तभी वो कर सकता है, बिकॉज इंग्लिश देर इज़ नथिंग लाइक कि 11th 12th में आके ही हो सकता है, अभी 9th 10th में नहीं कर सकते हैं। सेम गोज फॉर GK ऑल्सो, मीन्स GK इट्स कॉमन फॉर ऑल, लाइक जैसे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी दीज आर द थिंग्स विच विल रिमेन परमानेंट। तो अगर 9th 10th में भी उन चीज़ को याद करते हैं तब से उनको अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो टू ऑनेस्टली एडमिट, मतलब मैंने ये गलती की थी कि जब मैं 12th में आया था तब मैंने जैसे मेरी 11th कंप्लीट हुई तब मैंने जब पेपर सॉल्व करने स्टार्ट किए तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा मैथ्स अच्छा है और इंग्लिश और साइंस भी अच्छी है, बट जो स्पेशली GK का पोर्शन होता है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी उसमें मैं बहुत लैक कर रहा था। तो वो मैंने एक गलती की थी कि जो मे बी अगर मुझे पहले गाइडेंस मिला होता तो अलग चीज़ थी। तो अपने व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि गैट की प्रिपरेशन के लिए आप 11th 12th का वेट ना करें, आप गैट की प्रिपरेशन 9th 10th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली टॉकिंग की जैसे इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश इज़ समथिंग जो हम बहुत तरीके हैं प्रिपेयर करने के, लाइक अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉवल्स पढ़ना और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। बाकी अगर ग्रामर के बेसिक्स हमारे क्लियर हों और अगर हम नॉर्मली कन्वर्स अगर करते हैं इंग्लिश में तो हमारी इंग्लिश के एग्ज़ाम ऐसा है जो क्लियर हो जाते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं कि जब स्पेशली NDA के जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस उनसे आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो उससे प्रिपरेशन हो जाती है। उसके अलावा जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर किसी ने 11th 12th में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th 12th में साइंस ऑप्ट नहीं भी करते हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की साइंस आती है, जो साइंस हम एक तरीके कह सकते हैं वो भी जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज टाइप है। तो वो भी ऐसा है कि आप 9th 10th में भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में
आ जाएगा. सेम गोज विथ ये जो जीके वाला पोर्शन है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वगैरह, ये भी ऐसा है कि आप पहले से ही कर सकते हैं. तो ये मतलब आप गलती ना करें, आप इसकी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से अगर स्टार्ट कर देंगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू. मैम इसमें भी यही है कि जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे कि जो हिस्ट्री हो गई, सेम जैसे ज्योग्राफी हो गई, तो अगर हम 6th से लेकर 10th तक की NCERT बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि काफ़ी क्वेश्चंस उन डायरेक्ट NCERT टेक्स्ट बुक से एग्जाम में आते हैं. जैसे कि UPSC के बाकी सारे एग्जाम्स में भी है, इनफैक्ट जो IAS वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो भी NCERT टेक्स्ट बुक्स को रिफर करते हैं. तो सेम गोज विद दिस UPSC एग्जाम ऑल्सो, मेनी क्वेश्चन आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक्स और जो 6th से 10th तक ही होती हैं. तो अगर आप 6th से 10th तक भी अपने, मैं वही बोलता हूँ कि अगर CBSE सिलेबस को भी आप ढंग से हमेशा पढ़ते हुए चलते हैं तो आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो जब आप फाइनली व्हेन यू कम टू 11th एंड 12th, उस टाइम पे आपके लिए प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा. वो फिर मेरी कैटेगरी वाले ही हो गए जो मतलब जिन्होंने 12th में आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिकॉज गेट की प्रिपरेशन मैंने भी 12th में आके स्टार्ट की थी. तो इन माई पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माई केस, बिकॉज माई इंग्लिश वॉज ऑलवेज गुड एंड रिमेन एक्सक्लूडिंग इंग्लिश, साइंस जो थी बिकॉज CBSE का जो सिलेबस था हमेशा सीरियसली कवर करता था, तो साइंस वॉज ऑल्सो गुड. बस जो मेन मुझे प्रॉब्लम आई थी वो थी GK के पोर्शन में. तो मैंने क्या किया था कि अगर आपने नहीं भी किया है पहले से, अगर प्रिपरेशन नहीं किया है, अभी आप 12th में आ गए और आपके पास हार्डली 3-4 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो ये कर सकते हैं कि जैसे GK की बुक्स आती हैं, जैसे लूसेंट की GK हो गई या फिर अरिहंत की GK हो गई, तो इनमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है, ना सिर्फ GK का बल्कि साइंस का भी. तो उन बुक्स को बस ये होता है ना, यहाँ पे GK ऐसा सब्जेक्ट है में रिपीटेशन चाहिए, बिकॉज ये एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं. तो इन्हीं एक ही बुक्स को अगर आप रेफर करते हैं, एक या दो बुक्स को रेफर करें और उनको रिपीटिवली अगर 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो 2-3 महीने में भी वो चीज़ें प्रिपेयर हो सकती हैं. यही रीज़न था कि फाइनली जब मैंने एग्ज़ाम दिया 7th में, तो उसमें मेरा GAT का स्कोर भी काफ़ी अच्छा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट के जो 2-3 मंथ्स थे उनकी प्रिपरेशन की वजह से. मैम ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जाते हैं, बट कई बार होता है कि वो एग्जाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं. बिकॉज आपने प्रिपरेशन कितनी भी की हो, डिपेंड करता है कि आप उन एग्जाम के जो 3 घंटे या फिर जितने भी टाइम है उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट थिंग, दिमाग में कोई सेकंड थॉट्स लेके नहीं जाने चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने जो पढ़ाया नहीं आया, तो मतलब फर्स्ट थिंग गो विद द पीस ऑफ माइंड कि हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे ही पेपर आएगा बस हैव ट्रस्ट ऑन योर ओन प्रिपरेशन कि हमने जो प्रिपरेशन की है, जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन इट दिस, जितना भी एफर्ट्स लगाए हैं दे विल वर्क. सो फर्स्ट थिंग पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल्दो, जैसे अगर 120 क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो 120 क्वेश्चन है, वी नो कि अगर हम 50 क्वेश्चन भी करेंगे देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. स्मार्ट होना चाहिए. या तो अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूसली 8-10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे गलती से गलत हो गए, या फिर वो MR शीट कई बार हो जाता है, ऐसी गलतियां एग्जाम टाइम में हो जाती हैं. तो फर्स्ट थिंग कि ऐसे में पैनिक करने की कोई बात नहीं है. अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए, लगातार आपके पास 8-10 क्वेश्चंस नहीं भी आए, तभी हमें याद रखना चाहिए कि 120 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं 50 भी कर लूँगा तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा. कितने मार्क्स आते हैं वो बात की बात है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उस एग्जाम को क्लियर करना, जैसे कि एटलीस्ट SSB के लिए हम एलिजिबल हों. तो अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो लीव देम दोज क्वेश्चंस. और एक होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी जरूरी है, और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं वो सिलेक्ट करना भी जरूरी है. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़्यादा, छोड़ना ज़्यादा जरूरी होती है. बिकॉज कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम उनको छोड़ दें और दूसरे क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करें वो ज़्यादा बेटर है. कई टॉपिक्स हमारे वीक होते हैं, तो अगर हमें लग रहा है कि टॉपिक हमारा वीक है, अगर इसकी जगह में जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके क्वेश्चंस करूँगा तो वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे. तो उस तरीके से फर्स्ट थिंग पैनिक नहीं होना है, और दूसरी बात अपनी स्ट्रेटेजी एग्जाम में भी दिमाग में रखनी है कि अगर मैं 120 क्वेश्चंस हैं, बस पीस ऑफ माइंड के साथ अगर मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो अपने जो स्ट्रॉन्ग कमांड है इन टॉपिक्स पे उनको अपने बेसिक्स को पकड़ के रखें, तो भी उन 2.5 आवर में क्वेश्चंस जो थे वो मैट में हो जाते हैं. हाँ वही, उन क्वेश्चंस को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उन क्वेश्चन से अननेसेसरली स्ट्रगल करने का फायदा नहीं है. कई बार होता है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को 5-7 मिनट दे दिए तो फिर वो आपकी उस क्वेश्चन से लड़ाई हो जाती है कि नहीं आप अगर इतना मैंने टाइम दिया तो हाँ अब ये क्वेश्चन होना ही, वो ईगो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम देता है. तो बेटर है कि अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिखते हैं तो आप उनको एट द इंस्टेंट, मैंने ये ऑप्ट किया था कि जब मैं पेपर देखता था तो पहले ही क्वेश्चन को देख के समझ लेता था कि ये क्वेश्चन या तो टाइम लेगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली क्रॉस ही करता था कि अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है. nice, जिससे कि वो मेरा कॉन्फिडेंस को भी कम नहीं करेगा, बस जो क्वेश्चन देख के फर्स्ट लुक में लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है उसको राउंड ऑफ कर देता था, और जो क्वेश्चन देख के लगता था कि इधर इट इज टाइम टेकिंग और इट इज डिफिकल्ट
उसको स्लैश करके कि अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखना ही नहीं है, बिकॉज कई बार पेपर देखने स्टार्टिंग में अगर आप 10 मिनट भी ये काम कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को आप क्रॉस कर देते हैं कि इनको बिल्कुल देखना ही नहीं है, और कुछ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे तुरंत हो जाएंगे, तो ये सिलेक्शन जो होता है ना फिर बाकी के आपके जो टाइम है एग्जाम में उसमें होता है कि दोबारा फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, तो दोबारा आपका वो मोटिवेशन जो है वो कम नहीं करेगा। जितने भी व्यूअर्स है जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, फर्स्ट थिंग आपका पैशन होना चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं तभी आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एंड देर आर सो मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द डिफेंस प्रोफेशन। सो दीज थिंग्स यू नीड टू इम्बाइब फ्रॉम द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, लाइक इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर देन इन योर एवरीडे लाइफ यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू दैट इन योर कम्प्लीट लाइफ वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर मॉरल वैल्यूज एंड योर कैरेक्टर दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग इन अ प्रोफेशन विच इज़ कम्प्लीटली यू नो काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वेयर यू आर इट इज़ अ काइंड ऑफ नोबल प्रोफेशन, वी आर डूइंग योर सर्विस फॉर अदर्स, सो योर कैरेक्टर एंड योर मॉरल वैल्यूज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट मेन इंश्योर दैट यू आर ऑलवेज डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी।